हेलो दोस्तों, आजकल एक नया साइबर फ्रॉड का तरीका अपनाया है साइबर हैकर्स ने। तो नया तरीका क्या है कि किसी के नाम से वो पैसे मांगते हैं, किसी अपने परिचित के नाम की डीपी लगा लेते हैं व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, उनके नाम से पैसे मांगते हैं, या फिर फेसबुक आईडी हैक करके, इंस्टाग्राम आईडी हैक करके। अपन सोचते हैं कि अपना परिचित है और जिनकी अच्छी जान पहचान होती है, समाज में अच्छा वर्चस्व होता है, वो मैसेज करते हैं तो अपन सोचते हैं उनका मैसेज आए तो अपन पैसे कर देते हैं, और इस प्रकार अपन चंगुल के जाल में फंस जाते हैं और पैसे कर दिए जाते हैं। हकीकत में वो आदमी कोई और होता है। साइबर फ्रॉड, ये सबसे बड़ा साइबर फ्रॉड हो रहा है आज के टाइम में। जैसे बड़े बड़े साइबर गढ़ देखे हैं जामताड़ा, तो उन्होंने ये नया तरीका अपनाया है। सबसे ज़्यादा केसेस आ रहे हैं इसके वर्तमान में, तो ये साइबर फ्रॉड का नया तरीका अपनाया है और इससे बचना है अपने आप को। इसके लिए बचने के उपाय क्या क्या हैं? आप फ़ोन कॉल कर लेना, जिस भी व्यक्ति के का मैसेज आए उनसे बात कर लेना कि आपने ऐसा मैसेज किया है क्या। अगर फेस टू फेस बात हो जाए तब भी आपको पैसे करने हैं, बाकी पैसे एक दूसरे के ट्रांसफ़र नहीं करने, क्योंकि वो व्यक्ति नहीं होता रियल में। तो साइबर फ्रॉड का ये नया तरीका, इससे आपको जागरूक रहना है। फेस टू फेस बात होने पर ही आप उसको पैसे करें, पूरी पुख्ता जानकारी निकाल के कि पैसे करने हैं कि नहीं करने, पैसे किस प्रकार गिड़गिड़ाएंगे। वो बोलेंगे अस्पताल में भर्ती हूँ, बहुत इमरजेंसी है, या फिर और कई लोक लुभावने झांसे देंगे आपको। तो अपने को लगेगा कि वही परिचित है, अपने काम आते हैं, सेम डीपी सब कुछ ऐसा ही आपका परिचित का जैसा व्यवहार करेगा। तो ये नया तरीका है, इससे आपको बचना बच के रहना है अपने आप को, और साइबर फ्रॉड की दुनिया से बचाना है। साइबर और हेल्पलाइन है 1930, तुरंत ऐसा कोई होता है तो उस पर कॉल करें 1930 पे। थैंक यू। जय हिंद। राजस्थान पुलिस साइबर।